तो भाई आप प्लीज़ ये वीडियो जरूर देखिएगा, और इसके इसके अंदर मैं मीटर को कैसे यूज करते हैं गाड़ी के अंदर एसी के लिए, वो मैं बताने वाला हूँ। 2-3 मिनट में गैस रिफ़िल हो जाता है, बहुत सारी गाड़ियों में 30 सेकंड में भी रिफ़िल होता है, बहुत सारे गाड़ियों में 3 मिनट भी लग जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट लगता है गैस रिफ़िलिंग हो जाता है। जय माता दी, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री बालाजी ऑटो पे। दोस्तों ये हुंडई एक्सेंट अपने पास आई है, गाड़ी दिखा दो पहले पीछे से। हुंडई एक्सेंट ये गाड़ी अपने पास आई है दोस्तों, इसका काम हम लोगों को करना है। जैसे कल गाड़ी आई थी और मैं था नहीं यहाँ पे, इस गाड़ी में प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों इसका गैस बार बार निकल जा रहा है, तो माइनर लीक है जो कि मैंने चेक कर लिया, फॉल्ट मुझे पता चल गया है। मैंने इसमें दोस्तों सब कंप्लीट चेक किया, कल था नहीं तो चेक नहीं हो पाया, आज आए हैं तो चेक किए हैं। कूलिंग कॉइल इसका लीक है, जो कि हम लोग इसमें डैशबोर्ड पूरा खोलने वाले हैं, मतलब डैशबोर्ड पल्टी मारेंगे इसका। डैशबोर्ड कैसे पल्टी मारते हैं गाड़ी का हुंडई एक्सेंट का, ये इस वीडियो में आपको पूरा दिखेगा, प्लस क्या क्या खोलना होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, ये देख लीजिए दोस्तों, ये कूलिंग कॉइल का पाइप मैंने दोनों खोल लिया, ठीक है। यहाँ से ये जो हीटर कोर का पाइप है, दोनों रबड़ वाला, ये देखिए, ये दोनों पाइप हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ से वाइपर मोटर हमने निकाल दिया है, ये 2 वोल्ट डायरेक्ट मेन प्लंजर बोल्ट का होता है, इसलिए इसको खोलना पड़ेगा डैशबोर्ड खोलने के लिए। बाकी दोस्तों इसमें ये गियर का पैनल ये सब और स्टीयरिंग अलग कर देंगे, स्टीयरिंग को डायरेक्ट निकाल देंगे और बाकी जो डैशबोर्ड है डायरेक्ट पूरा बाहर निकालेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसमें डैशबोर्ड कैसे पल्टी मारते हैं, क्या क्या खोलते हैं, इसी के बारे में पूरा डिटेल्स बताएंगे। अगर आपको डैशबोर्ड खोलने का वीडियो नहीं देखना है और सिर्फ कूलिंग कॉइल का वीडियो देखना है खोलते हुए यानी लगाते हुए, तो आप 8 मिनट तक वीडियो को आगे स्किप कर सकते हैं। 8 मिनट से हमारा कूलिंग कॉइल कैसे खोलते हैं, कैसे लगाते हैं, ये वीडियो आपको दिखेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें डैशबोर्ड का ये देख लीजिए साइड का जो गियर वाला पैनल है, सबसे पहले मैं उसको मैं फ्री कर लेता हूँ, उसको निकालता हूँ। दोनों साइड स्क्रू, एक 10 नंबर का है, एक लॉक रहता है, दोनों साइड आपको खोल लेना है। उसके बाद आपको ये गियर का जो गियर का ठीक ऊपर जो ये पैनल दिख रहा है जो मैं निकाल रहा हूँ इस समय, ये आपको निकालना है। इसको निकालने के लिए आपको बस कुछ करना नहीं, थोड़ा सा पेचकस लेकर मार देना, या फिर इसका क्लिप आता है उससे उठा सकते हैं आप इसको। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये लॉक निकालने के बाद ये स्क्रू है 3-4 जैसे आप ये देख सकते हैं, और ये पीछे 2 स्क्रू है, दो इस साइड लेफ्ट साइड में, 2 राइट साइड में स्क्रू रहता है। ये दोनों स्क्रू को खोल लेंगे, उसके बाद ये दोनों स्क्रू जैसे ही खुल जाएगा, उसके बाद ये यहाँ पे जो देखिए ये पीछे से चार्जिंग सॉकेट दिया रहता है, उसको लॉक के मदद से लॉक रहता है, तो इसको आप निकालना रहता है वायर, इसका वायर निकालेंगे जैसे ही, ये हमारा गियर का पैनल हैंडब्रेक वाला पैनल ये निकल जाएगा। जैसे ये पीछे एसी जो जाता है, हवा लगता है, उसी के लिए ये दिया रहता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक और स्क्रू है जो कि हमारा गियर का जो पैनल है उसको खोलने के लिए जरूरी पड़ेगा। तो इसको निकालने के बाद देखिए, बस ये लॉक रहता है और डायरेक्ट आप खींचेंगे तो ये निकल जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं, लॉक पे बैठा रहता है, इजीली आप निकाल सकते हैं किसी भी गाड़ी में। अब यहाँ पर देखिए, हुंडई एक्सेंट और हुंडई i10 Grand ये दोनों सेम है। ये जो डैशबोर्ड खोलने का पल्टी मारने का मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, ये i10 Grand में भी अप्लाई होता है और हुंडई एक्सेंट में भी अप्लाई होता है, क्योंकि ये सेम दोनों गाड़ी में सेम ही आता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, फ्रंट पैनल जो है स्टेयरिंग के नीचे वाला आगे का जो कवर रहता है फ्यूज बॉक्स के अंदर वाला, वो पैनल के लिए 2 स्क्रू खोल लूँगा मैं। फ्यूज बॉक्स का 2 बोल्ट है, ये मुझे खोलना है। दोनों बोल्ट खोलने के बाद एक स्क्रू दिया रहता है जो कि मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए साइड में एक स्क्रू दिया है, इस स्क्रू को हम लोग खोल लेंगे। ये स्क्रू खोलेंगे तो ये पैनल आप लॉक में रहता है, उसके बाद खींचेंगे तो आप निकल जाएगा। जैसे देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे, कभी पहली बार खुलता है तो थोड़ा सा जाम रहता है, तो हल्का हल्का आपको ये करना पड़ेगा फ्री, बाकी कुछ नहीं है। वायर निकालने के बाद हमारा स्टेयरिंग का जो कवर है इसको हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि स्टेयरिंग कवर निकालने का मतलब ये है कि इसका वायरिंग जो रहता है कॉम्बिनेशन स्विच पे और एयरबैग वाला सॉरी हॉर्न के लिए क्लॉक स्प्रिंग पे जो रहता है वायर, उसको निकालना पड़ता है। अगर उसको नहीं निकालेंगे तो ये काम नहीं करेगा। 2 स्क्रू ऊपर, 1 स्क्रू बीचों बीच में, ये तीनों स्क्रू आपको खोल लेना रहेगा। तीनों स्क्रू खोल लेंगे आपका ये स्टेयरिंग वाला पैनल ये फ्री हो जाएगा, और ये लॉक जो रहता है लॉक बस आपको खींच के निकाल देना है अपने और पुल करना है। बस ध्यान रखिए, हमेशा कभी भी खोलिए तो संभाल के खोलिए। थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बना रहता है, तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा देता हूँ। आपको इतना भी फास्ट नहीं करता हूँ कि आपको समझ में ना आए, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। वीडियो अगर डैशबोर्ड का नहीं देखना है तो प्लीज़ 8 मिनट के बाद से वीडियो आप देखें। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा जो भी वायरिंग है, जैसे कि कॉम्बिनेशन स्विच का, इग्निशन स्विच का, इमोबिलाइजर का वायरिंग, ये वायर हमने निकाल के इसका जो लॉक पे बैठाया है देख लीजिए,
इमोबिलाइजर का सॉकेट है, ये अपना लॉक में एक फिक्स रहता है, इसको आपको निकाल लेना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ लॉक रहते हैं, इसको निकाल के स्टेयरिंग को आप फ्री कर सकते हैं। देख लीजिए, चाबी लॉक का वायरिंग निकाल दिया हमने, और यहाँ पे एक लॉक दिया रहता है, उसको हम लोग निकाल लिए यहाँ से तकरीबन। उसके बाद एयर जो ये पावर स्टेयरिंग का मॉड्यूल है EPS का, उस पे से दो सॉकेट रहता है, एक वायर इसमें रहता है, ये पावर स्टेयरिंग मेन जो वायरिंग निकाला हूँ मैं कॉम्बिनेशन स्विच का, उसमें से पतला वाला सॉकेट रहता है, एक मोटा वाला सॉकेट जो कि बैटरी के पास से आता है वो निकालना होता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोगों को स्टेयरिंग खोलना है, तो दो बोल्ट यहाँ पे 12 नंबर के नट दिख रहे हैं, जो ये दोनों इस नट को हम लोग खोल लेंगे। 14 नंबर का बीचों बीच में नट दिया रहता है, उसके लिए आपको फ्यूज बॉक्स खोलना पड़ेगा, क्योंकि वो जब तक फ्यूज बॉक्स नहीं खोलेंगे आपका वो 14 नंबर वाला बोल्ट खोलने का जगह नहीं बन पाएगा ठीक से। तो फ्यूज बॉक्स खोलने के लिए आपको बस ये ऊपर का दो नट खोल लेना है, क्योंकि 10 नंबर का पहले से बोल्ट खोल चुके थे। यहाँ पे दो कपलर है, देख लीजिए, दो आगे है, दो पीछे कपलर रहता है सेम ऐसे, ये बहुत ईजी है, बस लॉक रख कर निकाल देना है, कुछ दबा के थोड़ा सा निकाल देंगे बस निकल जाएगा। तो कपलर निकालने में कोई मुश्किल ही नहीं होगी आपको। साइड में ये जो वायरिंग देख रहे हैं, ये अलग से एक्स्ट्रा जो वायरिंग इधर उधर गया था, जैसे कि दरवाजे में उसी सब का वायरिंग रहता है, OBD स्कैनर का वायर है, ये निकाल लेना आपको लॉक निकाल के, बहुत आसानी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आपको। और पीछे दो वायर रहता है, उसको निकाल लेना है, बाकी फ्यूज बॉक्स आपका फ्री हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, बीचों बीच में 14 नंबर का जो ये बोल्ट दिख रहा है, बड़ा सा बोल्ट रहता है, इसको आपको पूरा खोल लेना है। जैसे खोलेंगे और थोड़ा थोड़ा स्टेयरिंग जब हिला डुला के निकालेंगे तो ये बोल्ट खुल जाएगा ईजिली, आराम से फ्री खुल जाएगा ये बोल्ट। उसके बाद देख लीजिए, जैसे मैं मुझे फंस रहा था तो मैं ऊपर का ढीला करके अभी स्टेयरिंग ऊपर नीचे करूँगा, तो ये बोल्ट मेरा निकल जाएगा। निकलते ही स्टेयरिंग आपको क्या करना है, धीरे से नीचे डाउन कर देना है, कुछ करना नहीं, इसको पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, संभाल के आपको ये देख लीजिए कि टूटे उटे ना, बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, निकाल के रख देना है। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, जो पीछे वायरिंग गया रहता है उसका कपलर एक है, ये कपलर हम लोगों को निकाल देना है। कपलर जैसे ही निकालेंगे, यहाँ से वायरिंग का ऑलमोस्ट सफा क्लियर हो गया, मतलब यहाँ से वायरिंग खत्म हो गया, डैशबोर्ड में कोई वायरिंग नहीं लगा है। सेम अब आपके लेफ्ट साइड में देख लीजिए, ये वायरिंग, एक वायरिंग रहता है और कुछ आपको बोल्ट जो डैशबोर्ड का मेन बोल्ट होता है वो खोलना होता है, 10 नंबर के दो बोल्ट, तो इसको इसके लिए आपको साइड में ये देख लीजिए, जो मैं पैनल खोल रहा हूँ ये आपको खोलना पड़ेगा। सेम दोनों साइड यही चीज़ होता है। तो यहाँ पे तीन बोल्ट 10 नंबर के रहते हैं, देख लीजिए, एक डैशबोर्ड के साथ फिटिंग है, दो ये लोहे में फिटिंग है, ठीक है। ये तीनों बोल्ट को खोल लेंगे आप, जैसे ही खोलेंगे यहाँ इस साइड से अपने मतलब लेफ्ट साइड से डैशबोर्ड फ्री हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे बीचों बीच में एक बोल्ट दिया रहता है, और ठीक एक नीचे ब्लोअर बॉक्स को टाइट करने के लिए एक बोल्ट दिया रहता है, जो कि वीडियो में शूट नहीं कर पाए, वहाँ पर वो खोल लीजिए आप। इस साइड में दो बोल्ट देख लीजिए, तीन बोल्ट नहीं, ये ऊपर वाला बोल्ट नहीं खोलना है, दोनों नीचे वाला खोल देना है, ठीक है। और ये साइड में जो ब्लैक कलर का कवर दिख रहा है, ये निकाल के दोस्तों आपको 12 नंबर के जो ये बोल्ट दिख रहे हैं इसको खोलना होता है, क्योंकि ये मेन पाइप वाले में फिटिंग है, डैशबोर्ड का जो पाइप होता है उसी पर डैशबोर्ड फिट रहता है, इसको खोल के आपको निकाल देना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर ठीक क्लच के ऊपर वाला पैनल का जो है उसके पास एक 10 नंबर के नट रहते हैं, बाकी उसके बाद चारों ये जो गियर वाला जो ये डंटी है इसका चार बोल्ट रहते हैं 12-13 नंबर के, इसको साइड में खोल के हटा दीजिए ताकि वो लड़े ना आपको। दो पाइप, ये जो दो बोल्ट देख रहे हैं 10 नंबर के, ये सपोर्ट पैनल के हैं डैशबोर्ड के, जो कि ये नीचे अपने बॉडी में कसे रहते हैं, इसको आपको खोल लेना होता है। ये जैसे ही खोलेंगे दोस्तों आपका डैशबोर्ड ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आगे का जो दो पैनल है उसको खोलना पड़ता है। देख लीजिए, दो बोल्ट ये दिख रहे हैं, इस वाइपर का पैनल खोल लीजिए, वाइपर खोल लीजिए, वाइपर खोलने के बाद ये दो बोल्ट आपको दिख जाएंगे, दोनों बोल्ट खोल लीजिए। और यहाँ से दोनों बोल्ट खोलेंगे जैसे ही, उसके बाद आपको एक्सपेंशन वाल्व खोलना होता है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, दोनों बोल्ट खोल लिए। अब यहाँ पर एक्सपेंशन वाल्व आपको खोल लीजिए, खोल लेने के बाद दोस्तों ये एक्सपेंशन वाल्व बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि एक्सपेंशन वाल्व जब लगा रहेगा तो डैशबोर्ड बाहर निकल नहीं पाएगा, क्योंकि एक्सपेंशन वाल्व रोक लेता है। तो इसके लिए आपको दोनों ये बोल्ट खोल के एक्सपेंशन वाल्व को हटाना पड़ेगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। ये हट गया, अब डैशबोर्ड को हम लोग बाहर हल्का सा अपने ओर खींचेंगे, मतलब पुश करेंगे, ध्यान रखिए कोई भी बोल्ट छूटे ना। यहाँ से आप कूलिंग कॉयल का वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, आप जो भी अभी अगर स्किप करके आए हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं। देख लीजिए, डैशबोर्ड को पूरा का पूरा हम लोग बाहर निकाल देंगे, बहुत आसान तरीके से खुल जाता है। अगर आपको स्टेप वाइज डैशबोर्ड खोलने का वीडियो चाहिए तो अपने चैनल पर है, आप जरूर जाकर देख लीजिए, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड स्क्रीन में डाल दूंगा। i10 और हुंडई एक्सेंट का सेम होता है, तो मैं वीडियो डाल दूंगा, आप लोग अगर स्टेप वाइज देखना है डैशबोर्ड कैसे खोलते हैं तो वो जरूर देखिएगा। डैशबोर्ड खोलने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं, डैशबोर्ड ये पूरा बाहर निकाल लेंगे, सावधानी से निकालिए कि कुछ टूटे उठे ना, इस चीज़ का ध्यान रखते हैं हम लोग। और संभाल के इस डैशबोर्ड को पूरा पलटी करके अपने दुकान पे जो मैट बिछा देते हैं पूरा अच्छे से, ताकि कुछ भी इसके अंदर से कुछ जब रखे तो टूटे उठे ना, बाकी गाड़ी देख ही लिए अब कैसे दिखता है। अब यहाँ पे डैशबोर्ड को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कपड़े से पहले साफ करके उसके बाद हवा मार देते हैं, ताकि इसमें जो धूल मिट्टी है वो सब निकल जाए और साफ सफाई से काम हो अपना। अब यहाँ से साफ करने के बाद दोस्तों गाड़ी को हम लोग अच्छे से साफ कर देते हैं, जैसे उसके बाद साफ करने के बाद फिर से हवा का प्रेशर से मार के इसको अच्छे से क्लीन कर देते हैं, ताकि क्योंकि ये खुलता नहीं है हमेशा,
खुलने के नहीं वजह से धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा जम जाता है। अभी इस गाड़ी में तो थोड़ा साफ सुथरा दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे गाड़ियों में इससे भी ज़्यादा खराब हुआ रहता है, तो उसको तो हम लोग पूरा खोल के धूल ही देते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको कूलिंग कॉइल निकालने के लिए बस आपको यहाँ पे देख लीजिए, ये जो चार पिन वाला सॉकेट दिख रहा है ना, ये होता है ब्लोअर रेजिस्टेंस, इससे हाई स्पीड लो स्पीड काम करता है। तो ये इसका वायर निकालना है, कूलिंग कॉइल सेंसर का सॉकेट निकाल दिए, और ये जो स्क्रू देख रहे हैं साइड में, ये बस स्क्रू आपको पैनल वाला खोलना पड़ता है। ये खोल लेंगे तो आपका यहाँ से साइड से कूलिंग कॉइल का जो भी रोकने का है सिस्टम वो हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए हीटर कोर का जो पाइप दिख रहा है, ये पाइप पूरा डैशबोर्ड हीटर कोर नहीं निकालना आपको, बस उसका दोनों स्क्रू खोल के कवर निकाल देना ताकि वो लगे ना। अब यहाँ पे जो स्क्रू देख रहे हैं, ये पीछे का जो कूलिंग कॉइल के ऊपर का जो ये जो ढक्कन है, ये इसी में पानी स्टोर होता है, जो कि जिसको मैं खोल रहा हूँ और पानी स्टोर होकर नीचे गिरता है। ये पाइप है दिख रहा है, ब्लैक कलर का पाइप छोटा सा दिख रहा है, यहीं से पानी होकर नीचे चला जाता है। तो इसको खोलने के बाद जैसे ही खोलेंगे, ये देखिए कूलिंग कॉइल आराम से निकल गया, और कूलिंग कॉइल को आप साइड से आप इजिली निकाल सकते हैं। कूलिंग कॉइल लीक कहाँ से है ये भी इसमें पता चल सकता है आपको, मैं दिखा देता हूँ कि हल्का सा गीला जहाँ पर भी रहे समझिए कूलिंग कॉइल उधर ही से लीक है। ये देख लीजिए यहाँ पर साइड में दिख रहा है ना हल्का सा, बस यहीं से कहीं ना कहीं से लीक है, तो इसको हम लोग चलिए चेक करके आपको दिखा देते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों साइड में, देख लीजिए ये जो मैं प्रेशर डाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आवाज़ बंद कर दिया हूँ, क्योंकि हवा का प्रेशर मैं डालता हूँ बहुत तेज़ आवाज़ हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आपको देख लीजिए ये जो लीक दिख रहा है यही बस ये इसी का लीक है। तो इसको अब चलिए नया कूलिंग कॉइल इसमें हैनन का डालते हैं, लोकल नहीं डालने वाले हम लोग, लोकल यूज़ नहीं करते हैं कोई भी काम में हम लोग दोस्तों, क्योंकि ये गाड़ी के अंदर का पार्ट है और लोकल यूज करेंगे अगर जल्दी से ख़राब हो गया तो फिर इसमें नुकसान कस्टमर का भी हो जाता है और हम लोग का भी, खुद हम लोग का नाम खराब हो जाता है। तो ये सब चीज़ों का बहुत हम लोग ध्यान रखते हैं, इसलिए इसमें ओरिजिनल प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं। हैनन का इसमें आता है, हैनन का ही डाल देते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे कूलिंग कॉइल बैठा दिया, बहुत आसानी से कुछ करना नहीं होता है। यहाँ पर अब देखिए ढक्कन लगा के फिर से इसको हम लोग टाइट कर देंगे, जैसे हम लोग खोले थे उसी तरीके से वापस से सारे स्क्रू को टाइट कर देंगे। हाँ, मेक श्योर कीजिए कि जिस तरीके से खोल रहे हैं उसी तरीके से फिट कर दीजिए। ये जो ढक्कन उक्कन देख रहे हैं आप, इसको मैं अच्छे से धुलवा दिया हूँ ताकि इसके अंदर जो मिट्टी लगा रहता है पानी जम जाता है, गाड़ी के अंदर पानी आने लगता है। इसके लिए इसको मैं पहले से धुलवा उलवा के सब कम्प्लीट कर देता हूँ, जितना भी होता है सब कम्प्लीट हम लोग इसके लिए कर देते हैं। सारे स्क्रू को अब अच्छे से फिटिंग कर देंगे। जैसे खोला गया था, मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ साइंस नहीं है, स्क्रू खोल के फिटिंग करना, उसके जगह पर रखेंगे तभी ये बैठेगा, नहीं तो बैठेगा नहीं दोस्तों। आपको मैं सबसे क्लियर कर दे रहा हूँ, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, अगर सही से आप जगह पर उसके स्क्रू पैनल को बैठाएंगे नहीं, कवर को बैठाएंगे नहीं, तब तक स्क्रू कोई भी बैठेगा नहीं, जबरदस्ती करेंगे तो पैनल टूट जाता है। तो इस चीज़ का हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं कि ये सब चीज़ें प्रॉब्लम में ना आए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सारा पैनल कंप्लीट फिटिंग हो चुका है, तो चलिए अब डैशबोर्ड को हम लोग फिटिंग करना है, तो बस इसमें कुछ करना नहीं है, डैशबोर्ड फिटिंग करके वापस से वैसे ही लगा के सब कुछ कंप्लीट कर देंगे, और इसमें नाइट्रोजन भर के दिखाएंगे आपको, लीक उक जो भी हर एक चीज़ है सब चेक करके आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। डैशबोर्ड जैसे ही लगाएंगे दोस्तों, उसके बाद सब कंप्लीट, देखिए डैशबोर्ड लगाने का तरीका इसका होता है, सही तरीके से इसको लगाएंगे तभी ये बैठेगा, नहीं तो बैठेगा नहीं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए, और कुछ नहीं, बाकी तो सब ईजी है। यहाँ पे हम लोग कूलिंग कॉइल का जो ओरिंग था उस पर थोड़ा सा कंप्रेसर ऑयल लगा दिए, एक्सपेंशन वाल्व को लगाने के बाद इसका जो बोल्ट है उस पर भी ऑयल थोड़ा सा लगा दिया ताकि वो फ्रीली बैठ जाए, क्योंकि बहुत समय हो जाने की वजह से ये खुलता नहीं है और बहुत जाम खुलता है, तो बहुत बार ख़राब भी हो जाता है बोल्ट, इसलिए ऑयल ऑयल लगा के फिटिंग हम लोग अच्छे से करते हैं। यहाँ ये दोनों एक्सपेंशन वाल्व फिटिंग करने के बाद हम लोग इसका दोनों पाइप फिटिंग कर लेंगे, जो कि ये दिख रहे हैं। इस पर भी हल्का सा कंप्रेसर ऑयल ओरिंग पर लगा देंगे ताकि इसमें जो हम लोग बिठाएं तो ओरिंग ओरिंग कटे ना और ईजिली बैठ जाए, सूखा रहेगा तो ओरिंग कट जाएगा, बहुत आसान जल्दी से कट जाता है और वो लीक हो जाता है। यहाँ पे इसका 12 नंबर का बोल्ट है, टाइट कर देंगे, टाइट करने के बाद इसमें हम लोग नाइट्रोजन डालेंगे दोस्तों, नाइट्रोजन डाल के इसमें लीक उक चेक करने के लिए छोड़ देंगे। और बाकी वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो देख लीजिए। हमने डैशबोर्ड कम्प्लीट यहाँ पर मतलब फिटिंग कर दिया है, बाकी अभी तो सब कुछ ऐसे ही है, पूरा फिटिंग क्यों नहीं करते हैं क्योंकि अभी हम लोग को चेक करना है। बाकी आपने देखा कि एक्सपेंशन वाल्व हमने यहाँ पे इसका लगा दिया, सब टाइट करने के बाद हमने इसमें नाइट्रोजन डाल दिया, तकरीबन देखिए दोस्तों 250.1। अब इस प्रेशर को हम लोग तकरीबन आधे घंटे तक छोड़ देंगे ऐसे ही, और वैसे भी लंच का समय तो छोड़ देते हैं, और इसको उसके बाद लास्ट में आधे घंटे बाद आपको दिखाऊँगा प्रेशर इसका डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। वैसे होगा नहीं क्योंकि जो प्रॉब्लम था हमने सही कर दिया। देख लीजिए तकरीबन मुझे लग रहा है हम लोग लंच करने गए थे तो एक घंटा हो गया दोस्तों, और प्रेशर मेरा वहीं का वहीं है। तो चलिए अभी ये जो डैशबोर्ड आप देख रहे हैं, इसका जो भी पार्ट्स अभी फिटिंग हमने नहीं किया उसको कंप्लीट फिटिंग करने के बाद आपको लाते हैं, और गैस वैस डाल के इसमें कंप्लीट करते हैं गाड़ी को, फिर आते हैं आपके पास। दोस्तों वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने फाइनल कर दिया है। अब आ रही है बात कि अपने पास बहुत दिन से कमेंट आ रहा था कि मीटर को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में हमें बताइए।
तो भाई आप प्लीज़ ये वीडियो जरूर देखिएगा। और इसके इसके अंदर मैं मीटर को कैसे यूज करते हैं गाड़ी के अंदर एसी के लिए, वो मैं बताने वाला हूँ। आप सबसे पहले देख लीजिए, ये तीन पाइप है मीटर का, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। ये बीच वाला, इससे आप गैस रिफिलिंग कर सकते हैं या फिर नाइट्रोजन डाल सकते हैं इससे। सबसे पहले दोस्तों ये लो प्रेशर देख लीजिए, ये लिखा है ना, ये कहाँ जाएगा, मोटे वाले पाइप पे। ये देखिए वहाँ से अंदर दिखाओ, वो जो पाइप देख रहे हैं आप, जहाँ पे पतला ये वाल देख रहे हैं ना, ये पतला है, ठीक है, ये मोटा वाला पाइप है। इसमें ये हो गया लो प्रेशर पाइप, यहाँ पर दिखाओ, ये जो कंप्रेसर के पास से एक छोटा सा पाइप रहता है वो है हाई प्रेशर पाइप, ठीक है। ये दोनों पाइप है, दोनों में कैसे लगाना है, तो देखिए ये वाल्व होता है, ये ऐसे करके ये खुला है इस समय, ये देखिए ऐसे, ये गैस के रेगुलेटर की तरह काम करता है, ऐसे टाइट कर देंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। ये वाल्व देख लीजिए, यहाँ से ऐसे दबा के वहाँ पे लगा दिया जाता है, जो कि मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ, ठीक। ये लग गया, अब इसको हम लोग टाइट कर देंगे, ठीक हो गया। रुको, यहाँ पे जो दिख रहा है ये हाई प्रेशर पाइप है, आप इसको यहाँ पे लगा के हाई प्रेशर इसका चेक कर सकते हैं, ठीक है। हाई प्रेशर क्यों चेक करना होता है, जब कभी दिक्कत होता है तो हाई प्रेशर चेक करना जरूरी हो है, अदरवाइज अगर सब कुछ सही होता है तो हाई प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ से आप वैक्यूम भी कर सकते हैं गाड़ी को, गाड़ी का वैक्यूम करना तो यही वाला, इस साइड वाले में, लाल वाले साइड में लगा दीजिए और वैक्यूम कर लीजिए। ये वाला डायरेक्ट आपका पंप, वैक्यूम पंप में चला जाएगा। अब जैसे मान के चलिए मुझे गाड़ी को लीक चेक करना है, तो यहाँ से मैं नाइट्रोजन में डाल दूंगा, इसको खोल के इसको बंद कर दूंगा, ताकि गैस वाले साइड में ना जाए, इधर प्रेशर वाले साइड में जाए। अगर मुझे गैस डालना है तो मैं इसको टाइट कर दूंगा, लाल वाले को इसको खोल दूंगा, ताकि ये गैस इसके अंदर रिफिलिंग हो जाए। तो उम्मीद करूंगा भाई आपको कि समझ में आ गया होगा कि गैस मीटर को कैसे यूज करते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे स्टार्ट करके मैं आपको प्रेशर और ये सब चीज़ें मैं अभी बता देता हूँ। गाड़ी का काम फाइनल हो गया दोस्तों, गाड़ी को हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, चेक लाइट आ रहा है, अभी चेक लाइट हो सकता है किसी भी चीज़ का हो सकता है कुछ, एक बार फिर से बंद करके चालू कर लेते हैं, बाद में इसका देखते हैं। चलिए गाड़ी तो स्टार्ट है हमारी फाइनली, हवा भी मेरा प्रॉपर आ रहा है अभी। तो हम लोग क्या करते हैं, दो पे ब्लोअर ऑन करते हैं, एसी को ऑन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, और चलते हैं गैस रिफिलिंग करते हैं। तो हमने दोस्तों इसमें सब कंप्लीट कर दिया है, प्रेशर वेशर सब निकाल दिए हैं, और जो मैंने इंस्ट्रक्शन अभी आपको बताया है उसी तरीके से मीटर को यूज़ किया जाता है। अब हम लोग इसको लो प्रेशर साइड से गैस भरेंगे, ठीक है, चाहे तो आप हाई से भी भर सकते हैं, बट लो प्रेशर से भरेंगे तो सही डिटेल में आपको पता चलेगा। कंप्रेसर हमारा जैसे ही गैस थोड़ा सा गया है, कंप्रेसर ऑन हो चुका है, फैन भी ऑन हो गया है, टेम्परेचर मीटर ले लो, इसको आप खोल दीजिए, गैस एक बार हो जाएगा उसके बाद गैस रिफिलिंग हो जाएगा, दो मिनट तीन मिनट में गैस रिफ़िल हो जाता है। बहुत सारी गाड़ियों में 30 सेकंड में भी रिफ़िल होता है, बहुत सारे गाड़ियों में 3 मिनट भी लग जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट लगता है गैस रिफिलिंग हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे गाड़ियों में ऐसा होता है कि कंप्रेसर इतना बढ़िया काम करता है, फटाक से गैस खींच लेता है, और आप थोड़ा सा गैस डाल के पहले गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो भी जल्दी हो जाएगा। गैस हमारा रिफिलिंग कंप्लीट हो चुका है, इधर लाओ, लो प्रेशर देख लीजिए आप, 50 के नीचे, मतलब तकरीबन 40 है, ठीक है, तो इसका मतलब 40 तक रहेगा तो ये अपना कूलिंग ज़बरदस्त कर रहा है। 40 के ऊपर जितना भी जाएगा, 50 60 70, मतलब कंप्रेसर कहीं ना कहीं डाउन हो चुका है। अभी ये गाड़ी थोड़ी देर में 5-7 मिनट और चलेगी, उससे बाद ये डायरेक्ट 30 पे आ जाएगा, और 30 और 25 पे आ जाएगा। दोस्तों इसको मैं बता दूं आपको कि 30 और 25 छोटी गाड़ियों में आ जाता है, बड़ी गाड़ियों में जैसे बुलेरो हो गया, एक्सयूवी हो गया, इसमें 40 तक रहता है, 40-45 रहता है, कुछ कुछ गाड़ियों में 25-30 आता है, उस समय उसका कंप्रेसर प्रॉपर वर्क करता है तो वो उतना कूलिंग करता है। अब चलिए हम लोग टेम्परेचर लगा के आपको दिखाते हैं कि इस गाड़ी में कितना टेम्परेचर जा रहा है। बाहर का टेम्परेचर देख लीजिए दोस्तों, 34 के आसपास है। चलिए गाड़ी के अंदर हम लोग लगा देते हैं मीटर को, और गाड़ी के अंदर मैं बैठ रहा हूँ, मुझे कूलिंग का एहसास हो रहा है, तो इसको हम लोग लगा देंगे यहाँ पे। और हमारा ब्लोअर मोटर देख लीजिए, दो पे ऑन है, ये वाला इनर सर्कुलेशन है, मतलब अंदर का हवा अंदर सर्कुलेट करेगा, ये ऑन करेंगे तो बाहर का हवा खींचेगा। ये अभी यूज नहीं करना होता, जब ये ठंडी आएगी तभी यूज़ करना होता, अदरवाइज ऐसे चेक कीजिए, ऐसे यूज़ कीजिए। बाकी ये टेम्परेचर अभी देखिए 23 के पास आ चुका है, तो अभी ये और कम होगा।
तो ये देख लीजिए दोस्तों, दो पे हमारा टेम्परेचर तकरीबन 10 पे आ चुका है और ये अभी कम हो रहा है। तो अब हम इसको कंप्रेसर कट कब होता है दोस्तों, जब एक पे हमारा रहता है कूलिंग, वैसे एक पे ये हवा का फ्लो रहता है और इस पे कूलिंग और ज़्यादा करता है। अभी क्या दोस्तों, ये तकरीबन 5-6 तक जाएगा, या देख लीजिए 5-6 तक जाएगा और ये कंप्रेसर कटेगा। अदरवाइज मेरा काम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, कूलिंग ज़बरदस्त है। तो चलिए अब कस्टमर का रिव्यू भी मैं आपको बताऊंगा कि उनको कैसा लगा, क्योंकि ये गाड़ी है डॉक्टर जो है, इनका गाड़ी वो डॉक्टर हैं और वो बोले हैं हमको, भैया आप आपके ऊपर बहुत विश्वास करके हम गाड़ी अपने वहाँ खुलवा रहे हैं, तो काम बहुत बढ़िया करिएगा। तो वो अभी है नहीं, तो उनको अभी बुलाएंगे, गाड़ी छोड़ के गए हैं, आएंगे तो उनको पूछेंगे, उसके बाद आपको वीडियो में बताएंगे कि उनको कैसा काम लगा मेरा। तो देख लीजिए दोस्तों, तकरीबन 9 के आसपास अभी टेम्परेचर आ रहा है और कंप्रेसर कट जा रहा है, मतलब इतने पर टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर कंप्रेसर इसका कट जा रहा है, मतलब कूलिंग भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और 6 पे अभी बहुत ज़्यादा, देख लीजिए बाहर बहुत हैवी धूप है, तो 6 पे 5 पे अभी नहीं आएगा, तकरीबन वो दोस्तों आता है तकरीबन 4 बजे के करीब में। अभी एकदम टाइम ये गलत है, टाइम ये गलत बता रहा है, टाइम अब मान के चलिए तकरीबन अभी 3 बज रहा है, तो मान के 4-4:30 बजे जब थोड़ा मौसम ठंडा होगा तो 6 पे भी आएगा कूलिंग। कूलिंग वैसे ज़बरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लीजिए, इसका लो प्रेशर मैंने बताया था जैसे 30 पे आ जाएगा, तो 30 पे आ चुका है। हाई प्रेशर 220 के आसपास है। ये अगर गाड़ी का एसी का सिस्टम सब सही रहेगा तो ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर इतना ही बताएगा। अगर इससे हाई प्रेशर ज़्यादा बता रहा है तो भी प्रॉब्लम है, लो प्रेशर भी ज़्यादा बता रहा है तो भी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों काम हमने सब कंप्लीट किया है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आपको हमारे वहाँ अगर काम करवाना है तो दिए हुए नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया रहता है, नंबर पर आप फ़ोन कर कीजिए, फ़ोन करके आप हमारे वहाँ काम करवाने आ सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए टॉपिक पर, तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद।